नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू द बीजाणु थोड़ी फैन। तो दोस्तों आपको पता होगा भारत और चीन के बीच में तनाव लगातार हमेशा बना रहता है और दोनों अपने हथियारों को लगातार डेवलप करते रहते हैं। तो दोस्तों इसी के जरिए हम लोग आज की वीडियो में राफेल और चेंगदू J10 के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो बिना वक्त के बाद चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक बात बता दें, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सभी लेटेस्ट डिफेंस अपडेट सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं फिर। तो दोस्तों सबसे पहले बात हम लोग बात करते हैं इसके फ्लाइट कॉस्ट पर आवर की। तो इसमें जो राफेल होता है उसकी करीब $28,000 होता है, जबकि चेंगदू J10 का $4,800। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं ओवरऑल BVR रेटिंग की। तो दोस्तों आपको पता होगा कि किसी भी फाइटर जेट की क्वालिटी को उसकी रेटिंग के जरिए ही आकार जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके BVR रेटिंग की बात करते हैं, यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज की। तो डसॉल्ट राफेल को 90% दिया गया, जबकि चेंगदू J10 को 75%। यदि हम लोग अर्नामेंट की बात करें तो डसॉल्ट राफेल को 8.6 दिया गया आउट ऑफ 10, जबकि चेंगदू J10 को 7.5 दिया है। दोस्तों इस मामले में टेक्नोलॉजी के मामले में भी डसॉल्ट राफेल आगे निकल जाता है, जिसमें कि डसॉल्ट को दिया गया है 8.5 जबकि J10 को 7.5। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग एवियोनिक की। तो जो डसॉल्ट राफेल होता है वो भी इसमें आगे निकल जाता है, जो कि इसको दिया गया है 8.4 जबकि J10 को दिया गया है 8। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग मैन्यूवरेबिलिटी की। तो आप लोग बता दें कि इसमें डसॉल्ट राफेल काफ़ी आगे निकल जाता है और इसको दिया गया 9.3 और जबकि J10 को दिया गया 8.6। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग रेट ऑफ क्लाइम की। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो डसॉल्ट राफेल है और चेंगदू J10 है, इनको लगभग सेम ही दिया गया, यानी कि 300 मीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग इसके स्पीड की। तो दोस्तों दोनों की लगभग सेम होती है, जो कि है 2 Mach के आसपास। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग फ्यूल इकोनॉमी की, यानी कि कौन फाइटर जेट कितने दूर तक जाता है पर लीटर फ्यूल के हिसाब से। दोस्तों आपको बता दें जो इसमें डसॉल्ट राफेल होता है वो 0.7 किलोमीटर जाता है, जबकि जो चेंगदू J10 है वो 0.76 किलोमीटर। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग यूनिट कॉस्ट की। तो आपको बता दें जो डसॉल्ट राफेल है वो काफी महंगा है J10 से, यानी कि जो डसॉल्ट राफेल की एक सिंगल फाइटर जेट की कीमत है $13 करोड़, जबकि J10 की कीमत है $3.5 करोड़। इसका मतलब कि करीब जो डसॉल्ट राफेल वो 4 गुना महंगा है J10 से। दोस्तों यही कारण है क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा खूबियाँ हैं जो कि चेंगदू J10 से काफ़ी बेहतरीन बना देते डसॉल्ट राफेल की। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग ओवरऑल रेटिंग की। तो जो डसॉल्ट राफेल है उसको एक्सीलेंट की कैटेगरी में रखा गया है, जबकि जो J10 है उसको वेरी गुड की कैटेगरी में। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके डॉग फाइट की, यानी कि जब युद्ध चलता है उस में कौन फाइटर जेट कितना बेहतर है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो डसॉल्ट राफेल है उसमें 30 mm की कैलिबर की मशीन गन लगी होती है, जबकि चेंगदू J10 में 23 mm की मशीन गन लगी होती है। और यदि वो रेट ऑफ फायर की बात करें तो डसॉल्ट राफेल 2500 RPM के तहत फायर करता है, जबकि J10 3600। दोस्तों यहाँ पर हम लोग मजल वेलोसिटी के बारे में बात करें तो जो डसॉल्ट राफेल है 1025 मीटर पर सेकेंड है, जबकि J10 715 मीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग मैन्यूवरेबिलिटी की बात करें तो जो डसॉल्ट राफेल उसको 9.3 दिया गया, जबकि चेंगदू J10 को 8.6। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ऑपरेशनल रेंज की। तो जो डॉग फाइट का ऑपरेशनल रेंज होता है डसॉल्ट राफेल 0.2 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर, जबकि J10 जो है उसका 0.2 से लेकर के 25 किलोमीटर, यानी कि जो डसॉल्ट राफेल इसमें काफ़ी बेहतर साबित होता है डॉग फाइट में भी। दोस्तों बात करते हैं हम लोग इसके डॉग फाइट रेटिंग के बारे में। तो जो डसॉल्ट राफेल उसको 76 ओवरऑल रेटिंग दी गई है, मगर जो J10 है उसको 58%। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग साइज कंपैरिजन की। तो ऑब्वियसली सी जो डसॉल्ट राफेल उसकी साइज चेंगदू J10 से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब दोस्तों इसके हम लोग बात करें यदि हम लोग वेट की, तो जो डसॉल्ट राफेल है उसकी 10,100 किलोमीटर होती है एम्प्टी वेट, जबकि जो J10 है उसका 9,000 किलोग्राम वेट होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें इंजन पावर की। तो जो डसॉल्ट राफेल वो डबल इंजन है, इस कारण इसका जो पावर है वो डसॉल्ट चेंगदू J10 से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जो डसॉल्ट राफेल के दोनों इंजन के पावर मिला दे तो हो जाता है करीब 150 किलो न्यूटन, जबकि चेंगदू J10 का 130 किलो न्यूटन रह जाता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके BVR मिसाइलों के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि जो डसॉल्ट राफेल उसमें MBDA मिट्योर मिसाइल लगी होती है, जबकि चेंगदू J10 में PL-12AM लगी होती है। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो ओरिजिन है डसॉल्ट राफेल को नाटो द्वारा ओरिजिन बनाया गया है और J10 चाइनीज है। और यदि हम लोग ईयर की बात करें तो 2013 में डसॉल्ट को बनाया गया था, जबकि चेंगदू J10 को 2002 में। अब दोस्तों बात करें यदि हम लोग रेंज की, तो BVR रेंज डसॉल्ट राफेल दोनों की लगभग सेम है। और यदि हम लोग रडार की बात करें तो जो डसॉल्ट राफेल उसमें थैल RBE-2A लगा हुआ है, जबकि जो चेंगदू J10 है T-4
T-73H लगा हुआ है। अब दोस्तों रडार ओवरऑल रेटिंग के बारे में बात करें तो जो रफाल है उसको एक्सीलेंट की कैटेगरी में रखा गया है और JTN को वेरी गुड की कैटेगरी में। BVR की टेक्नोलॉजी में भी रसाल रफाल काफ़ी आगे निकल जाता है, इसको 85% दिया गया जबकि JTN को 75%। अब दोस्तों इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो डसल्ट राफेल है वो काफ़ी बेहतर साबित होता है हर एक मामले में चेंगू JTN से। इसका मतलब ये होता है कि जो डसल्ट राफेल है वो डॉग फाइट के मामले में भी बेहतर और BVR के मामले में भी डसल्ट राफेल काफ़ी आगे निकल जाता है। यदि दोस्तों युद्ध होता है तो डसल्ट राफेल भर में ही चेंगू JTN को तबाह कर देगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सभी लेटेस्ट डिफेंस अपडेट सबसे पहले पहुंचती रहे और मेरी भी थोड़ी मदद होती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी ऐसे नए डिफेंस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।